महिला सुरक्षा को लेकर भोपाल में 5 दिसंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं इस बैठक में कलेक्टर तरुण पिथौड़े, DIG इरशाद वली समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर के अपने प्रयास अभी भी जारी हैं। हम लोगों के अधिकारियों के साथ जो संवाद हुआ है उसमें सबको बताया गया कि जितने भी संभावित ऐसी जगह है जहाँ पर कि लाइट्स वगैरह नहीं रहते हैं या जहाँ पे आवारा तत्व घूमने की संभावनाएं रहती, ऐसी जगहों में जो है पेट्रोलिंग बढ़ाए हम लोग। कुल कॉलेजेस छूटने के समय भी जो है अगर वहाँ पे आवारा तत्व घूमने की संभावनाएं रहती तो उन जगहों को भी जो है पेट्रोलिंग से हम लोग जो है उसमें गश्त बढ़ाए। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक बैठक हो रही है यहाँ पे कलेक्ट्रेट में, उसमें संबंधित विभाग आएंगे, NGOs जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग बस्तियों में उनको ही बुलाया गया है, और जो हम पुलिस की तरफ से हम लोगों के जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो जो हम लोगों के स्कीम चल रही हैं, जो ऐप्स डेवलप किए हुए हैं, जो MP ईकॉप पे उपलब्ध हैं, इनका भी हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे, उनको भी अवगत कराएंगे। और कोशिश रहेगी कि सारे विभागों के साथ समन्वय बना के, चाहे वो नगर निगम हो, महिला बाल विकास हो, सबके साथ समन्वय बना करके बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पाएं, जिससे कि महिला सुरक्षा की भावना जगे, लोगों में सुरक्षा की भावना जो है और सुदृढ़ हो।